नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद से ही बच्चों में दूध पीने की आदत होती है। बच्चा जब भी रोता है तो सभी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने लगती हैं, लेकिन कई बार आपने ज़रूर देखा होगा कि दूध पीने के बाद बच्चे उल्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और चिंता में आ जाते हैं। जबकि आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। दूध पीने के बाद बच्चों की उल्टी होना एक आम समस्या है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये समस्या ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे का स्वास्थ्य खराब ही है। कई बार बच्चों को दूध पीने के बाद उल्टी इसलिए आती है क्योंकि वो ज़्यादा दूध पी लेते हैं या फिर दूध पच नहीं पाता है, लेकिन कई बार कुछ और कारण भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बच्चों का दूध पीने के बाद उल्टी करना कितना नॉर्मल है। जी हाँ, बच्चों में उल्टी के सबसे पहले कारणों को समझ लेते हैं। वैसे तो जिन पेरेंट्स को बच्चों का अनुभव होता है वो इस बात से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ रहते हैं कि बच्चों में कब किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन जिस पेरेंट्स को बच्चों का अनुभव नहीं होता है उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। बच्चों के पेट से फूड पाइप को जाने वाले रास्ते में बहुत सारा खाद्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा दूध पी लेने की वजह से भी बच्चों को उल्टी हो जाती है। लेकिन इस परिस्थिति में होने वाली उल्टी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब ध्यान किस चीज़ पर देना है, तो मोशन सिकनेस भी हो सकता है इसकी खास वजह। जी हाँ, चक्कर आना यानी कि मोशन सिकनेस बच्चों की उल्टी के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि दिमाग के संतुलन में गड़बड़ी की वजह से ये समस्या होती है, जिसकी वजह से कई बार बच्चों में इस परेशानी की वजह से उल्टी आने की समस्या हो सकती है। दूध पसंद न आना भी कारण हो सकता है। बच्चे कई बार दूध से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बच्चे को दूध का स्वाद पसंद नहीं आता है तब भी वह उल्टी कर देता है। कभी कभी माँ के दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी वजह से या फिर दूध से एलर्जी की वजह से भी बच्चों को उल्टी होने लगती है। तो क्या करें ऐसे में, सवाल यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको कैसे ठीक करें। बच्चे या कोई भी किसी को भी उल्टी को रोकना नहीं चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और खतरनाक हो जाती है। तो यानी कि कभी भी जब उल्टी हो रही हो, वोमिट हो रहा हो, तो उसे रोकिए मत। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा उल्टी करता है तो आप कुछ तरीके ज़रूर अपना सकते हैं। बच्चों को खाना खिलाने या कुछ पिलाने के 30 मिनट बाद तक सीधे बैठा करके रखिए, लेटाइए मत। बच्चे को एक साथ पूरा खाना मत खिलाइए। दूध पीने के बाद बच्चे को पीठ के बल ही लेटाइएगा। ध्यान रखिए, वैसे भी पीठ के बल ही लेटाना चाहिए, पेट के बल कभी बच्चा नहीं लेटना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा लगातार कुछ भी खाने या पीने के बाद उल्टी कर रहा है तो आप ऐसे में कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस बारे में डॉक्टर से संपर्क कर लें। कई बार उल्टी के जरिए कई बीमारियों का संकेत भी होता है, इसलिए बेहतर है कि आप ज़्यादा उल्टी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह लें। एक या दो बार हो जाता है, इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। बस ध्यान रखें इन्हीं बातों का तो आप समझ सकेंगे। तो आई थिंक जो सिंगल पेरेंट्स हैं यानी कि जिनके ज्वाइंट्स फैमिली है उनमें तो अनुभवी लोग होते हैं, बता भी देते हैं, समझ होता है। लेकिन अब सिंगल पेरेंट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं तो उनके साथ ये समस्या ज़्यादा होती है कि समझ नहीं आता है और वो घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आज की वीडियो रही, ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुँच सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।